नमस्कार, मैं देवान सूद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई उपाध्यक्ष। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ। तब से लेकर आज तक विद्यार्थी परिषद हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम करा रही है। तो इस वर्ष भी सोलन में पहली बार मैंस 3v3 बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन डिग्री कॉलेज सोलन में होगा। पर जो हमारा चिंता का विषय है, हम टूर्नामेंट कराएं कैसे? आप ग्राउंड की हालत देखें, इतने खड्डे ग्राउंड में, लोगों के पैर मुड़ जाते, कईयों के फ्रैक्चर उड़ जाते हो जाते हैं, कैसे करें? कॉलेज प्रशासन सोया हुआ है। मैं मीडिया बंधु के माध्यम से पूछना चाहूँगा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, खेल स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, कि क्या प्रशासन सोया हुआ है? कहाँ आ रहा है फंड? कॉलेज का जो स्पोर्ट्स फंड आता है वो कहाँ आता है? यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। कॉलेज में 4000 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो उसमें हम लोग सिर्फ पढ़ने ही नहीं आते हैं, और भी बहुत एक्टिविटीज़ होती है जो कॉलेज में होती है, तो उसमें हमारे को बहुत कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे को प्रोवाइड। हमारा बास्केटबॉल कोर्ट ढंग का नहीं है, बीच में पोल्स है, इसमें तो उधर खड्डे खड्डे है, पानी भरा रहता है। देख सकते हैं यहाँ आप, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। और जो स्पोर्ट्स कोटा है, कहाँ आ रहा है वो स्पोर्ट्स कोटा? आप जैसे 5 नंबर स्पोर्ट्स कोटा के होते हैं, कोई सीधा नेशनल लगता है, 10 नंबर उसके होते हैं, जब हमारे पास खेलने की सुविधा ही नहीं है, हम कैसे खेले और कैसे हम आगे बढ़े? डिमांड यही है कि जो हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है वो थोड़ा लेवल कराया जाए, इसका रिपेयर कराया जाए। हमारे को किसी से कोई मदद नहीं की, हमारे ये जो हमने कोर्ट पक्का कराया है, विद्यार्थी परिषद ने खुद अपने दम पे कराया है, हमने खुद लगे हैं, हम हाथ देख सकते हैं हमारे खुद, हम सुबह 10 बजे के यहाँ पहुँचे, ये खुद अपने दम पे कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद जो कर रही है हमारे कार्य, हमारे कुछ वॉलंटियर लगे हैं, कुछ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगे हैं।